नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दुमका भागलपुर रूट पर अब ट्रेन की रफ्तार दुगनी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रेन चलती थी, जहाँ पर दोस्तों अभी बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ इसके, यह अपडेट आपको न्यूज़ पे भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि अब इस रूट पर जो ट्रेन है वह अब दुगनी रफ्तार से चलने वाली, यानी कि अब जो ट्रेन है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। साथ ही दोस्तों भागलपुर क्यूल साहेबगंज वाली जो रूट है उस पर 130 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलने वाली। बात करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में गोड्डा दुमका भागलपुर के बारे में। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हमेशा गोड्डा स्टेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज सुबह ही मुझे एक अपडेट मिला जहाँ पर दोस्तों दुमका और भागलपुर के बीच जो ट्रैक था उसे बदलने का काम चल ही रहा था, लेकिन दोस्तों अब उस काम को तेज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नए साल में भागलपुर दुमका रूट पर जो ट्रेन का परिचालन होने वाला है वह अब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाला है। जहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि इस रूट को डी ग्रेड में शामिल किया गया है, जहाँ पर रेलवे की तरफ से अब इस ट्रैक पर 110 किलोमीटर के रफ्तार से ट्रेन चलाने का परमिशन भी मिल चुका है। भागलपुर और दुमका के बीच में मात्र महज 5 किलोमीटर डिस्टेंस, जहां पर अभी तक रेल पटरी को चेंज नहीं किया गया, बाकी सारा चेंज हो चुका है। अभी ये जो 5 किलोमीटर है, ये एक सप्ताह के अंदर ये 5 किलोमीटर के जो बीच रेलवे जो पुराने ही पटरी पर ट्रेन चला रही थी उसे चेंज करने का जो काम है वह काफ़ी तेज कर दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द इसे पूरा, यानी कि लास्ट दिसंबर तक पूरा करके नया साल से इस ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जाए। 23 जुलाई को चीफ कैप्टन इंजीनियर ने इस ट्रैक पर इंजन को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रायल भी किया, जो कि सफल रहा। और इस सफल के बाद रेलवे को प्रस्ताव भेजा गया कि इस रूट पर ट्रेन को हम लोग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। उन्होंने बताया कि भागलपुर मंदार हिल एवं बाराहाट बांका रेलखंड डी ग्रेड के रूट में आता है, इसलिए अब इस रूट में ट्रेन की जो रफ्तार है उसे बढ़ाया जाए। अभी तक इस रूट पर 50 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलती थी, जहां पर दोस्तों अब यह जो सेक्शन है यह डी ग्रेड में आने के कारण अब इस ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सकता है। जहां पर दोस्तों रेलवे ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, नए साल से हम दुमका और भागलपुर के बीच जो ट्रेन चलेगी वह 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। गोड्डा से भी खुलने वाली जो ट्रेन है उसकी भी रफ्तार बढ़ने वाली है, क्योंकि इसी सेक्शन पे वो भी आता है। उसको गोड्डा से भी जितनी भी ट्रेन खुलेगी उस ट्रेन का भी रफ्तार को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाएगा। इसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और ये आज का अपडेट था जहाँ पर दुमका और भागलपुर का अपडेट था। रेलवे के योजना के अनुसार जो पुरानी जो ट्रैक थी भागलपुर और दुमका के बीच उसे बहुत पहले ही चेंज किया गया है, जहाँ पर दोस्तों महज 5 किलोमीटर ही जो था जो बच गया था, जिस पर अभी तक उस ट्रैक पर ही ट्रेन को परिचालन किया जा रहा था। साथ ही दोस्तों रेलवे ने जब इसे डी ग्रेड में माना तो अब वो जो 5 किलोमीटर जो नहीं बदला हुआ था, यानी कि पुरानी जो पटरी थी उसे अब बदलने का काम फास्ट कर दिया गया है, जहाँ पर दोस्तों अब कुछ दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि PWU RK सिंह और RK ठाकुर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस साल के अंत में उन्होंने बताया है कि पूरा काम फिनिश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दुमका और भागलपुर के बीच जो ट्रैक बदलने का काम चल रहा है वह इसी सप्ताह पूरा हो जाएगा और नए साल से इस ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी थी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साथ ही दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि गोड्डा स्टेशन से जो ट्रेन खुलती है भागलपुर के लिए या दुमका के लिए, उस ट्रेन का भी रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होने वाला है। बाकी इसका एक स्पेशल अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा जहां पर बहुत सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही दोस्तों कल का अपडेट आप लोग देखने के लिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कल के अपडेट में मैं आप सबको जानकारी देने वाला हूं गोड्डा पीरपैंती रेल लाइन का जो अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, तो किस किस गाँव को शामिल किया गया है, पथरगामा में किस किस गाँव होकर निकलेगी ट्रेन, इसके बाद महागांव में किस किस गाँव होकर ट्रेन निकलेगी, कहाँ पर स्टेशन बनेगा, सारा कुछ कल के वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो आप लोग कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग हमेशा गोड्डा स्टेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार गोड्डा स्टेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।